हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ठीक ठाक होंगे। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 12। बहुत दिन के बाद मेरा नॉर्मल लाइक ब्लॉग में आज स्टार्ट कर रही हूँ, और सोचा कि भूल गए दरवाज़ा बंद करने के लिए, आवाज़ आएगा। पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बालकनी का बाहर मेन रोड है ना, हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये चेन्नई मैंगलोर चेन्नई का जो एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको होसूर रोड बोलते हैं। सो तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्हीकल से यहाँ पे जाना आना करता है, तो मुश्किल हो जाती है। एनीवे अभी टाइम है 11:25। आदित्य बाहर गए हैं कुछ काम के लिए, हो गया 1 घंटा 1.5 घंटा। आदित्य ये वीक में एक्चुअली दो बार ट्रैवल किए थे, हैदराबाद गए थे और चेन्नई गए थे। मेरा बहुत सारा काम ये वीक में मैं करने के लिए सोच रही थी, बट नहीं हो पाया। बट एनीवे कोई बात नहीं, तो करूँगी नेक्स्ट वीक। सॉरी, यही वीक में मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आप लोग के पास फिर कुछ ट्रैवल ब्लॉग आएगा। तो अभी हमारा ये लंच रेडी है। सोनू अभी काम ख़त्म करके गया है, मैं भी किचन में थी अभी तक। चलिए लंच में क्या बनाई हूँ आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। वीकेंड है, आशा करती हूँ लोग भी खूब मज़े से वीकेंड को एंजॉय करेंगे, मज़े लेंगे अच्छा अच्छा खाने पीने का और बाहर घूमने का। मेरा भी थोड़ा बाहर जाने का मन है, देखती हूँ जा पा रही हूँ या नहीं। और कल बहुत टेंशन में थी, आप लोगों को सबको पता होगा कि हांगकांग में फ्लड हुआ है, सब अनएक्सपेक्टेड रेन होके। सुबह में इतने दिन तक हांगकांग में है, कभी भी ये वाला एक्सपीरियंस उसका नहीं हुआ था। आज मैंने सुबह फ़ोन की थी, वो ठीक ठाक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कल भी दिन भर वो मैसेज देता रहा मेरे को। मैंने फोटो वाल दिखा देती हूँ, छोटा सा क्यूट सा। चलिए किचन में जाते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ लंच के लिए क्या क्या प्रिपेयर किए हैं हम लोग आज। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ आज लंच में क्या बनी है। यह है मोरेला फिश, जिसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं। ये आदित्य का बहुत फेवरेट है और ऑलरेडी बहुत कुछ बन के रेडी है। ये है कोई फिश, इसको कोई फिश का तेल झाल बोलते हैं। ये है बॉयल फिश का रसा, और ये है लाउ चिंगड़ी, और ये है बैंगन मसाला, ये है स्टीम्ड राइस। एक फुल फ्लेज्ड लंच है, आज वीकेंड है इसलिए। तो यहाँ पे भी जो स्नेक गॉड है उसको फ्राई करके रखे हैं, और जो कतला फिश है उसको फ्राई करके रखे हैं। सब बहुत सारे आइटम बने हैं। संडे में जनरली हमारे घर में ये सब बनता है, और ये तो टाइम होता है हम लोगों को थोड़ा सा आराम से बैठ के खाना खाने के लिए। सब लंच रेडी है। चलिए अभी टाइम नहीं हुआ लंच का, दूसरा कुछ करते हैं। ये हमारा गर्मा गर्म कॉफ़ी रेडी है। होम इज़ वेयर आई एम विथ यू, दिस इज़ द राइट ऑफ जो कप में लिखा गया है। और बहुत दिन के बाद मैं आज सोची हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि हर सैटरडे और संडे आदित्य को कॉफ़ी दिया जाता है आफ्टर ब्रेकफास्ट अराउंड 10:30-11। मेरा आज कॉफ़ी पीने का मन है। कॉफ़ी पी रही हूँ, टाइम हुआ है 11 एक्चुअली। आज मेरा ऐसे मन किया थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ। कॉफ़ी पी रही थी तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा क्लिप ले लूँ, दैट आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत दिन के बाद आज मैं आराम से बैठ के कॉफ़ी पी तो रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ एक्चुअली पार्लर में। जैसे बोले थे आप लोगों को चाय के साथ मिलूंगी, आज टाइम नहीं हुआ। जल्दी जल्दी मैं चाय पी के थोड़ा सा चल रही हूँ। पार्लर जाऊँगी, हमारे कैंपस के अंदर पार्लर ऑप्शन बहुत है, 3 पार्लर हैं।
में अभी जा रही हूँ, जाके क्या क्या कर रही हूँ, पॉसिबल होगा तो आप लोगों को आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स ले लूँ। यहाँ पे हमारे कैंपस के अंदर पार्लर का ऑप्शन बहुत है, 3 पार्लर है जो यूनिसेक्स पार्लर। सो मैं जा रही हूँ मेरे फेवरेट पार्लर में जो 10 मिनट डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर है। यहाँ पे और एक बुटीक भी है, बहुत बार सोच रही हूँ बुटीक जाके थोड़ा देखूँगी, वो भी हो नहीं पा रहा है। चलिए आप लोगों को भी लेके जाती हूँ। देखिए यहाँ पे पानी पूरी वाला वेट कर रहा है, मेरा तो खाने का मन कर रहा है बट खाऊंगी नहीं, अभी जस्ट चाय पी के निकली हूँ। और सर्विस कुछ कुछ करवानी है, जैसे मेरा आज पेडिक्योर भी करवानी है और थ्रेडिंग भी है, सो का थोड़ा टाइम लगेगा। सोच रही हूँ आदित्य ऑफिस से आने से पहले मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। टुमारो अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को निकलना है। कहाँ पे आप लोगों को ब्लॉग देखने से पता चलेगा, शायद नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। मजे में बैठ के कर रही हूँ पेडिक्योर, जैसे आप लोगों को बताई थी ना, लास्ट 1.5 मंथ से मेरा पेडिक्योर नहीं हुआ था, तो एंजॉय कर रही हूँ मेरे पेडिक्योर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के बाद आज मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। कुछ गड़बड़ी चल रहा है ब्लॉग में, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न है। सो क्या रीज़न है वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगी, आज नहीं बता रही हूँ। और वीकेंड कैसे गए आप लोग, वीकेंड में क्या क्या किए क्या नहीं किए, वैसे यू नो लाइक क्या क्या सब स्पेशल लंच डिनर में कुकिंग किए, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वो सब सुनने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारा वीकेंड भी ऐसे गया है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो प्रॉब्लम का यू नो लाइक इमीडिएट सोल्यूशन कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि रीजन क्या है, किस लिए आप लोगों को काम मैंने कोई भी काम करने के लिए आप जाओ, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ऐसा कुछ बात नहीं, वो सब प्रॉब्लम का सलूशन भी है, ठीक भी हो जाएगा। और मेरा भी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा था, लोअर बैक में पेन हो रहा था, सो मेडिसिन मैंने ली हूँ, सो फिजिकल एप्लीकेशन भी कर रही हूँ, इसलिए वो सब चल रहा है। सब चलिए, और अभी कुछ मैंने आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, वो सब दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना मेरा वार्डरोब, मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज की, कुछ कुछ ड्रेस को डिस्कार्ड की, कुछ कुछ ड्रेस ऐड किया। और बहुत दिन से आप लोगों को मेरा कुछ यू नो सामान मैं ऑर्डर जो की थी वो एक के बाद एक आता रहा और आप लोगों को मैंने दिखा नहीं पाई, जैसे मैंने बोली एक मिनट जस्ट मैं आ रही हूँ। कपबोर्ड एक्चुअली डोर खोला था, सो देखा नहीं पाई। कुछ चीज़ें इसके अंदर मैंने ऑर्डर की थी जो आ गया था, बट मैंने आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई कि मेरा हेयर का हालत, आज मुझे जाना पड़ेगा हेयर वॉश करने के लिए, सो पूरा ख़राब हो गया है। सो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ एक दो ड्रेस जो ऑर्डर की थी, वो ऑर्डर नहीं की थी, एक ड्रेस मैंने लेके आई थी मार्केट से, फ्लोरल प्रिंट का, जो बहुत सुंदर है। फ्लोरल प्रिंट का आप लोगों को तो पता है, थोड़ा सा मैंने साइड कर देती हूँ कैमरा सो दैट आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। सो ये है वो वाला ड्रेस, बहुत सुंदर है, शॉर्ट ड्रेस है। ओके सो इसका स्लीव दिखाती हूँ, ये बहुत डिजाइनर स्लीव है, यहाँ से एक्चुअली फ्रील है इसका, और ये है उसका स्लीव। पास में से दिखा रही हूँ आपको ये वाला ड्रेस, बहुत सुंदर है, क्यूट है, बहुत सुंदर लग रहा है ये ड्रेस। ये है एक ड्रेस जो मैंने खरीदी, और जिस दिन पहनूंगी आप लोगों को तो डेफिनेटली दिखाऊंगी। इसका नेक ऐसा है, जस्ट ब्रॉड राउंड नेक है और ये ऐसा दिखता है। ओके सो आप लोगों को अच्छा लगता है ना मेरा ड्रेस मैं जब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, सो इसलिए मैंने सोचा कि ड्रेस जो खरीदा आप लोगों के लिए शेयर करूँ। मैं चेन्नई में एक एग्जीबिशन में गई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, सो वहाँ से मैंने 2 कॉटन का ड्रेस पिकअप की थी, उसको भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सिंपल सा है, प्योर कॉटन का है, सो इसको कलमकारी प्रिंट बोलते हैं ना,
सो ये है एक सिंपल सा ब्लैक कलर का ड्रेस, ऊपर दिखाऊंगी ऐसे लगेगा। सो सिंपल सा है एंड ब्यूटीफुल सा, ये यू नो लाइक 3/4 लेंथ होगा, ये पूरा फ्लोर लेंथ नहीं है और नी लेंथ भी नहीं है। सो आप लोगों को दिखाते हूँ, पूरा प्लेन सिंपल कॉटन का ड्रेस है और ये मेरे को लिया था एक्चुअली 850 ये एक है, और सेम डिजाइन में मैं दूसरा ड्रेस भी खरीदी जो आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, वो भी बहुत सुंदर है, प्योर कॉटन का है। सो ये भी बहुत सुंदर है ड्रेस है, देखिए ये भी प्योर कॉटन की है, अच्छा लग रहा है ना, ये भी एकदम सेम है। सो इसको जब पहनूंगी आप लोगों को तो ब्लॉग पे देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसा ही है। सो ये था ये तीनों ड्रेस जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती थी। उसके साथ और एक चीज़ मैंने खरीदी, वो है ज्वेलरी कुशाल ज्वेलर्स से। सो सम डिस्काउंट चल रहा था तो मेरे को ये वाला सेट बहुत अच्छा लगा, मैं आ रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, आप लोग मुझे ज़रूर बताना ये आप लोगों को कैसा लगा। अभी कैमरे को मैं थोड़ा सा नज़दीक कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को एकदम पास में से दिखाऊंगी ज्वेलरी, दिखाते हो। ये एक फुल सेट है कुशाल ज्वेलर्स का, आप लोगों को दिखाते हो ये है। सो मैं इसको मैं काम करती हूँ, मैं इसको गले में डाल के कैसे लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता है कुशाल ज्वेलरी एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रांड है जिसमें बहुत टाइप का यू नो लाइक ज्वेलरी मिलता है। देखिए ये है मेरा सुंदर सा, ये मेरा चेन है, ये रह के थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, उसको पीछे घुमा लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा नेकलेस और उसके साथ इयररिंग भी है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इसमें है। सो ये पूरा सेट बहुत सुंदर लगा मेरे को, एक्चुअली साड़ी के साथ तो ये बहुत सुंदर लगेगा, और सामने पूजा है, दशहरा है। सो ये भी देखिए आपको पास पे से फर्स्ट दिखा देती हूँ, ये वाला ज्वेलरी ये वाला है और ये कान में ऐसा लगेगा, बहुत सुंदर एक ज्वेलरी सेट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कुशाल ज्वेलरी ज्वेलरी तो एक्सपेंसिव होता है आपको पता है। सो ये गया दिस वन एंड दैट वन, ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़ा ऑलमोस्ट 5,000। कुशाल ज्वेलरी का सेट्स वगैरह बहुत होता है एक्चुअली एक्सपेंसिव, देखो यहाँ पे लग गया है कहाँ पे दैट, मैं दिखाती हूँ इसको निकल दूंगी, ये निकल गया ठीक है, और इसको मैं पास में से आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बहुत सुंदर एक शर्ट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये के, और मैं खरीदी हूँ उसके साथ मैच करके और एक ब्यूटीफुल सा बैंगल का पीस, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि ये अभी फेस्टिवल सीजन है, आप लोग कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आप जाके कुशाल ज्वेलरी से खरीद सकते हैं, मेरा फेवरेट ज्वेलरी सब है। मैं आपको पहन के इसको दिखाती हूँ, ये एडजस्टेबल है बट मेरे हाथ में आ जाएगा सो मैंने ऐसे ही डाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ, और ये है लगभग 2K का है ना, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एक सेट है। सो इसको खरीदी थी सो इसलिए मैंने सोचा कि जो जो चीज़ें मैंने खरीदी हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए अभी मेरा हेयर टेक्सचर पूरा ख़राब हो गया, मैं अभी जाऊँगी हेयर वॉश करूँगी, एक्चुअली अभी नहीं सुबह से नहा धो के पूजा पूजा करके सब कुछ हो गया है, बट हेयर वॉश करने से वो और एक हो जाता है सेकेंड टाइम नहाना। सो अभी बज गया है 1:00, लंच टाइम हो गया है, मैं लंच करूँगी, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो
आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। जाऊँगी पार्लर में, थोड़ा सा हेयर वॉश करके आ जाऊँगी। सो ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन फेस्टिव सीजन के लिए। देखिए ये वाला एक डब्बा में ये लोग दिए हैं, डब्बा दिखा देती हूँ आप लोगों को। सल ज्वेलरी का, इसमें मेरे पूरा ज्वेलरी का सेट है। सो चलिए आप लोगों के साथ खाना खाने के बाद ही मिलती हूँ, हो सकता है तो चाय पीने के टाइम आप लोगों के साथ बैठूँगी, गप्पे मारूँगी।